एवरीवन, क्या हाल है। मेरा नाम मिलिंद क्वात्रा है। मैं वीडियो वगैरह बना रहा हूँ थोड़ी देर से गाड़ियों के ऊपर, जो मुझे चलाने में अच्छे लगते हैं या जो मुझे मजा आता है या जो भी मेरे को गाड़ी चलाते हुए फील होता है उसके बारे में। तो पिछली वीडियो काफ़ी अच्छी रही है यार, लोग बहुत प्यार भी कर रहे हैं, एज यूजुअल गालियाँ भी निकाल रहे हैं, बट ठीक है, जो चल रहा चल रहा। तो फाइनली दिस इज गोइंग टू बी माई फेवरेट वीडियो और मैं इसमें सबसे ज़्यादा खुश होने वाला हूँ। इसमें प्लीज़ कोई मत बोलना बायस है, नहीं है, ये है, वो है वगैरह वगैरह, बिकॉज दिस इज माई कार, ये मेरी अपनी गाड़ी है और सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं इसको और बहुत शौकीन हूँ मैं इस कार का। बेसिकली आई लव दिस कार और मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो दिस इज माई फोर्ड इको स्पोर्ट, आई बॉट इट इन 2015, 31 दिसंबर को ली थी एक्चुअली, तो चली 2016 में ही है। एम्बिएंटे बेस मॉडल है, 8.5 लाख की ली थी। तो इसमें बेसिक फीचर्स आ रहे हैं और मैंने बेस भी क्यों ली थी, क्योंकि मुझे सुपर वाली में वैल्यू इसमें लगी। तो सबसे अच्छी ड्राइवर्स कार है ये जो मुझे लगता है इस रेंज में, और रेज्ड हाइट है, कॉम्पैक्ट है, कंफर्टेबल है, चलाने में बहुत अच्छी है, पावर अच्छी है, सबसे बढ़िया स्टेयरिंग रिस्पॉन्स है, चैसी रिस्पॉन्स जिसके लिए मैं पागल हूँ, वो इसका बहुत अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी का मेरे को लेने का टाइम इतना पता नहीं था, मेन मैंने इसलिए ली थी क्योंकि इसकी ड्राइविंग बहुत अच्छी थी। चलो, और अब बेस मॉडल के लिए, और फॉर एंड इन्फॉर्मेशन, जो भी वीडियो बना रहा है मेरा फ्रेंड चिंतन, उसके बाद भी सेम इको स्पोर्ट बेस मॉडल वाली है, वो भी उसका ड्राइविंग का बहुत शौक है। तो और बेस मॉडल मैंने क्यों ली थी, बिकॉज इसमें स्टेयरिंग ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाता है, सीट्स कंफर्टेबल हैं, फ्रंट पे पावर विंडोज हैं, अंदर से शीशे कंट्रोल हो जाते हैं, स्टेयरिंग इसका स्टीरियो सिस्टम में ब्लूटूथ वगैरह सारा कुछ ऑलरेडी है। इको स्पोर्ट के सारे गाड़ियों में एक ही स्टीरियो सिस्टम आता है, जो अब जो सबसे बड़ी वाली है उसके अंदर टच स्क्रीन वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिया, पहले भी सिंक सिस्टम था, बट जो साउंड क्वालिटी है और जो बेसिक फंक्शन है वो सब में सेम है। तो क्योंकि ये वाली गाड़ी एक्चुअली मैंने चलानी थी, क्योंकि हमारे पास दूसरी कार है डिजायर, उसके वो उसके अंदर सारे लल्ले फब्बे फीचर्स हैं कि पीछे पावर विंडो है, ये है, वो टॉप मॉडल है और ऑटोमेटिक है। दिस कार वॉज स्पेसिफिकली फॉर मी, तो मैंने यही देखा कि जो मेरे को मेरी सीट में फीचर चाहिए वो सारे थे, तब एयर बैग नहीं थे, अब वाली एम्बिएंट में एयर बैग भी आ गए, तो चिंतन की जो कार है उसके अंदर एयर बैग भी है। सो हियर आई एम ड्राइविंग माई डार्लिंग। सो सबसे पहले इसके प्लस पॉइंट्स, इसका स्टेयरिंग, इतना सही स्टेयरिंग मैंने आते किसी कार के नहीं देखा। मतलब एक होता है कि यार उतने अच्छे नहीं है, एक होता है कि गुड स्टेयरिंग है, अच्छा स्टेयरिंग है, आपको कमी नहीं फील होती, एक होता है यार भाई स्टेयरिंग हो तो ऐसा हो, और इसका वैसा है। वेट बिल्कुल भी नहीं होता कम स्पीड्स पे, इतना लाइट और इतना एक्यूरेट, इतना ज़्यादा एक्यूरेट, मतलब कुछ कह नहीं सकते। अभी जैसे मैं 70-80 पे हूँ, और सबसे पहले तो स्टेयरिंग इतना अच्छा रिस्पॉन्स देता है कि आप जहाँ पॉइंट करो वहाँ गाड़ी मुड़ जाती है, उसके बाद आपको गाड़ी की बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। लेट मी टेल यू, हम 85 घर के पास वाली सड़कें हैं, फिर रश आ गया, तो रश है, छोटी गाड़ियाँ होती हैं, आप सोचते हो क्या करो, इसमें आपको नहीं सोचना पड़ता क्योंकि आप ये कर सकते हो। तो इस कार को कहीं से भी लेकर जा सकते हो, जब मर्जी चलती है, गाड़ी की तरह है, हैंडलिंग इसकी हैचबैक वाली है, गाड़ी मतलब हैचबैक, हैंडलिंग इसकी हैचबैक वाली है, जहाँ मर्जी मोड़ दो, जहाँ मर्जी ले जाओ, जैसे मर्जी चलाओ, जितनी मर्जी स्पीड पे ले जाओ, और प्रैक्टिकलिटीज कैसी हुई वाली है। अभी ये कट है, आपने जो ट्रैक अपने कॉर्नर पर सोच ली कि मैंने गाड़ी सपोज करो एक पहाड़ की सड़क पे, आप बहुत कॉर्नर ले रहे हो, तो आपने जिस लेन में सोचा ना गाड़ी रहने का, उस लेन में ही रहेगी, ये नहीं कि वो स्किड खाने लग जाएगी, आपको जोर फील होगा, ऐसा कुछ होगा, कुछ भी नहीं ऐसा। जहाँ आपने कार पॉइंट आउट कर दी, पहले तो पॉइंट आउट करने के लिए स्टीयरिंग इतना अच्छा है, जहाँ कार पॉइंट आउट कर दी वहाँ जाती। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कार 60,000 किलोमीटर चल चुकी है, सो माय ऑडोमीटर रीड्स नाउ 59,236, सो ऑल राउंड ऑफ करके 60 बन जाता, तो उसकी सर्विस अभी मैंने करानी है। इसको यार जब चलाओ इतना मजा आता ना यार, एक दो माइनस पॉइंट्स हैं मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, बट वो इसकी एक्सीलेंट ड्राइविंग करके बहुत कवर हो जाते हैं। मतलब ये तो कहते हैं बस सड़क ढूंढो अच्छे से, और मैं आई बोस्ट दिस थिंग कि मैं इसको इतनी बुरी तरह चलाता हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कौन से खड्डे से निकल रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी ये रियलाइज हो गया था कि इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी स्ट्रांग है और ड्यूरेबिलिटी इतनी स्ट्रांग है, इसमें बिल्कुल खड़का नहीं आता, बिल्कुल भी खड़का नहीं आता। अभी यही डिफरेंस है, ये गाड़ी भी 10-11 लाख की है स्कॉर्पियो, और ये गाड़ी जिसमें बैठा हूँ ये मैंने 8.5 लाख की ली है, अगर आप इसका अच्छे वाले मॉडल ले लो तो ये भी 9.5-10 की पड़ जाती है,
बट फर्क क्या पे आता है यार, उस गाड़ी में आप ऊंचे होकर बैठते हो, आपको एसयूवी वाली प्रैक्टिकली नहीं मिलती, आप कहीं भी लेकर जा सकते हो, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा, बट वो ऐसे चल नहीं सकती। मतलब अगर आप वो चलाओगे आपको लिटरली ट्रकों वाली फील आएगी आफ्टर दिस कार। नहीं तो स्कॉर्पियो इज अ वेरी गुड कार, बट अगर आप कंपेयर करो एक क्रॉसओवर को और डायरेक्टली उसमें जाओ, इवन आप एसयूवी से भी उसको कंपेयर करो, तो आप उसको ऐसे नहीं चला सकते। एक और आ रहा मेरे जैसा तेज चलाने वाला। So the point is, now let me tell you the story of the 60,000 kilometers. The reason why we are watching this, the endurance, the reliability and everything. इस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट, एक होती छोटी सर्विस, एक होती बड़ी सर्विस। बड़ी सर्विस में क्या होता है, जैसे डीजल फिल्टर 20,000 बार चेंज होता है, इंजन ऑयल 10,000 बार चेंज होता है, तो कुछ चीज़ें तो 20,000 बार चेंज होती है, कुछ चीज़ें तो हर 10,000 बार चेंज होती है। तो 20-20 पे बड़ी सर्विस होती है और 10-10 पे छोटी वाली सर्विस होती है। तो जो उसकी छोटी सर्विस है विद एवरी 10,000 किलोमीटर, वो 3500, 4000, 4200 इतने की होती है, 3500, 4000 और 4200 के बीच बीच। और अगर कोई बड़ी सर्विस है जैसे आफ्टर 20,000, 40,000 या 60,000, तो वो 6000 तक चले जाती है मैक्सिमम। इसके ऊपर आज तक मेरी सर्विस कॉस्ट नहीं हुई। और नंबर टू, अगर मैं कंपेयर करूँ मारुति से, जैसे मारुति की मेंटेनेंस बहुत सस्ती मानते हैं, डेफिनेटली सस्ती है बहुतों से, बट फोर्ड की उससे भी सस्ती है। मेरे पास तो डिज़ायर है, वो टॉप मॉडल है, इससे महंगी कार है, बट ये कार उससे ऑलमोस्ट हर चीज़ में अच्छी है, ऑलमोस्ट हर चीज़ में, फीचर्स को छोड़ के डेफिनेटली, क्योंकि बेस है वो टॉप है। बिल्ड क्वालिटी, इसकी साउंड, इसकी इंजन, इसका इंजन, इसकी पिकअप, इसकी ड्राइवेबिलिटी, इसकी रफनेस और एंड्योरेंस ऑफ द स्पेयर पार्ट्स। नाउ लेट मी टेल यू, वो कार प्रीडोमिनेंटली मेरी वाइफ चलाती है और ये प्रीडोमिनेंटली मैं चलाता हूँ। और मेरे को उस कार पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं कि भाई साहब तूने तेज नहीं चलानी, तूने गंदी नहीं चलानी, तूने खड़का के नहीं चलानी, तूने ऐसे नहीं चलानी, तूने वैसे नहीं चलानी। तो बेसिकली वो कार प्यार से चलती है, मैं भी प्यार से चलाता हूँ और मेरी वाइफ वो भी प्यार से चलाती है, बट उसके अंदर बहुत जल्दी सामान खराब हो जाता है। उसकी सिर्फ 30,000 की सर्विस पे ही मैंने उसकी गाड़ी की लिंक रॉड्स चेंज करवाई हैं, लिंक रॉड सस्पेंशन का पार्ट है, लिंक रॉड चेंज करवाई हैं और 30,000 पे उसके ब्रेक पार्ट चेंज करवाए हैं। उसकी 30,000 पे मेरी 85,000 से 9,000 की कॉस्ट आई थी टोटल सर्विस की। और इसके गाड़ी के ब्रेक पैड्स अब चेंज होने वाले हैं विच इज एट 60,000। अभी ये 1,000-1,500 किलोमीटर के पड़े हैं तभी मैं उसको ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, विच इज एट 60,000। और ब्रेक पार्ट्स का कॉस्ट सेम है, उस पर भी 3,350 लगे, इस पर भी 3,350 लगेंगे, बट एक चीज़ आपकी 30,000 किलोमीटर चल रही है, एक चीज़ 60,000 किलोमीटर चल रही है। और ये गाड़ी डिज़ायर से काफ़ी प्रीमियम है और काफ़ी सॉलिड भी है। और अगर आप ड्राइविंग की बात करो तो ये कार मैंने उस कार से 3 गुना ज़्यादा गंदी तरह चलाई होगी और खड्डों में से निकाली होगी। उसको तो मतलब इतने प्यार से रखा है ना, तब भी उस पर माइलेज अच्छी निकाल लेता हूँ। मतलब अगर आपको सारी चीज़ें चाहिए ना एक गाड़ी में यार, दिस इज़ द बेस्ट कार। और तभी मैं ये बार बार इसको वो करता हूँ, नहीं कि अगर किसी ने लेनी है तो इकोस्पोर्ट इज़ द बेस्ट कार, इकोस्पोर्ट इज़ द बेस्ट कार, बिकॉज इट इज़ कॉम्पैक्ट, अंदर स्पेशियस है, मतलब कॉम्पैक्ट द फॉर्म फैक्टर इज़ कॉम्पैक्ट, अंदर स्पेशियस है, मतलब आपकी सीट्स बहुत अच्छी है, सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, आपकी थाई सपोर्ट बहुत अच्छी है, आपको पैर घुमाने के लिए अच्छी जगह मिल रही है। अब रियर स्पेस में लेग रूम थोड़ा कम है, बट इतना भी कम नहीं है, ओके डेफिनेटली होंडा सिटी वाला या ज़्यादा बड़ा सेडान लेवल वाला नहीं है, बट इट इज़ क्वाइट गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और मैं कभी अनकंफर्टेबल नहीं हुआ उसमें, बट सीट खुद इतनी कंफर्टेबल है कि बंदा कहता है यार कोई बात नहीं, ठीक है चलता है। और एरी है, और आप यहाँ बैठते हो तो आपको वो, आप ऊँचे बैठे हो आपको ये अच्छी फील आती है, आसपास सारा अच्छे से दिखता है। तो ये छोटी छोटी बातें यार, मतलब एवरी टाइम यू ड्राइव दिस कार इट ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस, अ वेरी बिग स्माइल ऑन योर फेस। ऊपर से कभी कोई टेंशन नहीं है यार, कभी रास्ता खराब हुआ कहाँ से ले गए, कुछ हुआ मतलब कहाँ से चढ़ा के ले गए। मैं इतनी बार जैसे डिवाइडर क्रॉस करे, ये तो डिवाइडर ऊंचा है, मतलब इतनी बार मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ, मैंने डिवाइडर चढ़ाया, चलो जी कार मोड़ के वापस ले, दिखाता हूँ वो चीज़, फिर आप उसको गाले नहीं, इसको गाड़ी नहीं चलानी आती, रिपोर्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। परफेक्ट कार फॉर कॉर्नरिंग, परफेक्ट कार फॉर टेकिंग ऑफ रोड, परफेक्ट कार फॉर टेकिंग टू लॉन्ग हाईवेज। सिटी के अंदर तो वैसे ही इतना मज़ा आता। अब सिटी वाली बात बताता हूँ, ओनली माइनस पॉइंट तो मुझे कभी कभी फील होता है, इसका गेयर बॉक्स के गेयर थ्रोस बहुत लंबे हैं। मतलब अगर आप हुंडई या मारुति से कंपेयर करो यार, उनके गेयर इतनी ईजिली पड़ जाते हैं ना यार, जरा सा करा पड़ गया। इसमें आपको लंबा खींचना पड़ता है, तीसरा गियर आगे है तो चौथा पीछे है, मतलब पीछे मतलब काफ़ी पीछे है। हुंडई के गियर शिफ्टिंग बहुत अच्छी, बट उनका क्लच बड़ी जल्दी खराब हो जाता। और मेरे पास ना इससे पहले रिट्स थी, मतलब ये और डिज़ायर लेने से पहले मेरे पास रिट्स थी, तो मैं उसको बहुत भगाता था और मुझे वो बहुत अच्छी कार लगती थी। और ये लेने के बाद मुझे सिर्फ ये लगा कि रिट्स जैसी हैंडलिंग, रिट्स जैसी मैन्यूवरेबिलिटी, सारा कुछ मेरे को मिल गया विद एडेड रेस हाइट एंड मोर पावर, मतलब प्रॉपर अपग्रेड लगा मेरे को तो गाड़ी रिट्स की, और रिट्स की हैंडलिंग भी जबरदस्त हैंडलिंग। नॉर्मल गाड़ी बंदा सोचता रहता है इसमें कोई टेंशन नहीं है, अच्छा आपको ट्रैफिक लग रहा है,
लेट हो रहे हो, आपने इंडिकेटर दिया, लोगों से दो चार गालियां खाई, राइट मोड़ी, गाड़ी अपने ऊपर चढ़ाई, वैसे ये गालियां निकाल रहे हो, गाड़ी अपने ऊपर चढ़ाई, यहाँ से नीचे उतारी, आप उल्टा लेके चल पड़े आप अपने रास्ते। इतना मजा जिंदगी का। और इंडिया में तो यार पता नहीं लोग इतनी नई नई गाड़ियां कैसे ले लेते हैं यार, मतलब डर ही लगा रहता है। मतलब मेरे डिजायर के भी ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस था, उसमें तो मैं इतना डर के चलाता ना, मुझे ये लगता रहता है यहाँ लग जाएगी, हाँ वहाँ लग जाएगी, हाँ ये हो जाएगी, हाँ वो हो जाएगी। अब मेरे फ्रेंड की मर्सिडीज है, वो जब भी हम चलाते हैं उसमें तो पूछो ही मत, मतलब वो तो तैयार होती है, मैं यहाँ से भी लग जाऊँ, यहाँ से भी लग जाऊँ, यहाँ से भी लग जाऊँ। और हमेशा से पता है यही प्रॉब्लम रही है, जो लोग ड्राइविंग एक्सपीरियंस का मजा लेना चाहते हैं वो कहते हैं यार गाड़ी की कॉर्नरिंग अच्छी हो, हैंडलिंग अच्छी हो, सारा कुछ अच्छा हो, उनको बेचारों को सेडान लेनी पड़ती है हमेशा, क्योंकि सेडान बैठी होती है, उसका वेट अच्छे से, मतलब चौड़ी ज़्यादा होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी नीचे होता है, तो उसकी ग्रिप और उसकी हैंडलिंग, उसकी कॉर्नरिंग डेफिनेटली बहुत कंफर्टेबल होती है। बट इंडिया में उसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं लगती, वो बेचारी डर डर के चलती है। आप हाईवे पे भी जौन सा अच्छा हाईवे ले लो, आपको भैंस तो मिल ही जाएगी, जौन सा मर्जी अच्छा शहर ले लो, वहाँ में भी आपको कोई ना कोई जानवर, कोई ना कोई तो रस्ते में बैठा मिल जाएगा। दिल्ली में भी बीच में आ जाते हैं, वो छोड़ो, फिर जितनी मर्जी अच्छी सड़क हो, सरकार ने पैसे खाए होते हैं, उसके अंदर टॉय डिब्बे होते हैं, मतलब जो मर्जी कर लो, लो स्लंग गाड़ी चलानी मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, या तो बहुत ध्यान से चलाओ, मुझे तो बहुत डर लगता है, मतलब कि बहुत, मतलब मुझे लगता है यार कि फ़ायदा क्यों चीज़ लेने का, जब आपको चीज़ रोक रही है। अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हो, बाइक ले रहे हो, तो इट इज़ फॉर फ्रीडम यार, मतलब ड्राइविंग इज फ्रीइंग योर सेल्फ, योर स्पिरिट एंड एवरीथिंग, और इतना मज़ा आता है खाली सड़क पर रेस दे के, या गाड़ी चला के, या गाड़ी को अपने कंट्रोल में रख के। मतलब मुझे तो ज़िंदगी में ये फील आती रहता है यार कि लाइफ में जब कुछ और कंट्रोल से नहीं चल रहा तो अपनी गाड़ी तो कंट्रोल में है यार। ये बड़ा बकवास डायलॉग लगा होगा, बट एटलीस्ट मज़ा आता है उस टाइम जब ना स्ट्रेस आउट होता है, कुछ होता है, तो रात को अपनी गाड़ी लेके निकल जाओ और चलाई जाओ। अब ये बात, मैं इसकी सस्पेंशन बताता हूँ कैसी है। इसकी सस्पेंशन जो है ना स्टिफर साइड, तो स्टिफ जो गाड़ी होती है वो जितनी हाई स्पीड पे चलाओगे उतनी स्टेबल चलेगी। स्टिफ सस्पेंशन हमेशा स्लो स्पीड पे आपको तंग करेगी। जितनी गाड़ी की सस्पेंशन स्टिफ होगी उतनी उस कार की हैंडलिंग अच्छी होगी, उतनी उस कार की कॉर्नरिंग अच्छी होगी। स्पीड द मोमेंट यू पिकअप, थोड़ी स्पीड इसकी पिकअप हो जाती है तो उसके बाद एवरीथिंग बिकम सो स्मूथ, सारा कुछ इंजन से निकलता रहता है। दैट इज वन मोर रीजन व्हाई ड्राइव दिस कार सो फास्ट, और डिजायर वैसे स्लो चलाता हूं। अब इसकी सीट्स की बात करें ना, इसकी स्पीड बनी टोटल स्पोर्टी है, पहले दिन से इतनी बकेट है, मतलब इसकी साइड सपोर्ट इतनी ज़्यादा एग्रेसिव है। अब इसमें एक माइनस पॉइंट है जो मुझे शादी से पहले नहीं लगता था, शादी के बाद मैं मोटा होने लग गया, तो अब लगने लग गया कि इसकी सीट्स काफ़ी नैरो हैं, तो अगर आपका वे, मतलब आप चौड़े ज़्यादा हो तो आपको फिर उतनी शायद कंफर्टेबल ना लगे, तो ब्रेजा की ज़्यादा अच्छी है। और ऑनेस्टली जब मैंने ली थी तो ब्रेजा आई नहीं थी, तब मेरे पास इससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं था, बट जब फिर मेरे बेस्ट फ्रेंड ने ब्रेजा ली जिसकी मैंने वीडियो डाली भी हुई है, उसके बाद मैं अगर कंपेयर करूँ तो मुझे यही रियलाइज़ हो कि वो एक ज़्यादा अच्छी ऑलराउंडर कार है, बट ये एक बेटर फिनिश प्रोडक्ट है, बेटर फोकस्ड प्रोडक्ट है। क्योंकि मारुति को ये होता है हमने गाड़ी ज़्यादा बेचनी है, वो इंडियन के हिसाब से परफेक्ट कार बना, जो इंडिया को चाहिए वो देते हैं। सॉफ्ट सस्पेंशन हो गई, अच्छी राइड क्वालिटी हो गई, ऊंची हो गई, जगह हो गई, बट बिल्ड क्वालिटी उनकी मारुति की उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है बट उतनी अच्छी नहीं, मतलब जो इसमें फील है ना वो अलग ही है। मतलब मैं आपको दो बातें बताता हूँ बड़ी जरूरी, मेरे को बिल्ड क्वालिटी का इसके बारे में कैसा बताऊँ। पहले तो दरवाजे बहुत भारी हैं, वो तो स्टार्टिंग में फील हुआ, फिर आदत पड़ गई, बट पहली बात मुझे वहाँ पता लगी यार कि कार की इतनी ज़्यादा सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, क्योंकि पहले रेट्स मेरी डिज़ायर भी कहीं पर बचती है, वो तो साइकिल वाला भी आगे बच जाए उसकी चिथड़े उड़ जाते हैं बम्पर के किसी भी चीज़ के। फिर सेकंड इंस्टेंस क्या हुआ, मेरा फ्रेंड है जिसने ब्रेजा लिया है, उसके पास खटारा सी युवा है, अभी भी बेची नहीं उसने, क्योंकि बेची नहीं रही वो इतनी गली है, तो तब हम कब से उसको कह रहे हैं गाड़ी ले लें, गाड़ी अच्छी बात है उसने ब्रेजा ले ली, तो उसके पास खटारा सी युवा है बड़ी पुरानी, उसको स्कूल के टाइम लेके दी थी उसके घर वालों, तो वो रात को हम नाइट आउट में थे 1:30 बजे, वो होगी बंद, पता नहीं क्या हुआ उसको जो मर्जी, तो हम रास्ते में उसको छोड़ भी नहीं सकते, तो या तो ऑप्शन था कि हम घर तक उसकी कार लेकर जाएं धक्का मार के, तो पहले तो हमने यही ट्राई करी, तो फिर मेरे को आइडिया लगा बीच में से, मैं कहा यार मारगुली, मैं कहा ऋषभ तू कार में बैठ, बाकी सारे को मैंने अपनी कार में बैठा लिया, हम अपनी कार में बैठे, उसको गाड़ी में बैठाया, मैंने पीछे लगाई गाड़ी उसके, मतलब अपने बंपर से ही, कोई बीच में टो वाली वायर नहीं थी कुछ नहीं था, डायरेक्टली मैंने अपनी कार उसकी कार साथ जोड़ी और ऐसे ही पुश करके उसके घर तक ले, उसकी गाड़ी का बंपर तो फैल के टूट टूट गया या थोड़ा ख़राब हो गया, और मेरी कार में फिर कुछ करा दी। 15 मिनट लगे हमें, 6-7 किलोमीटर उसका दूर घर था, और बड़े प्यार से ऐसे ही पुश करते करते कार उसके ले, और एक स्क्रैच तक नहीं आया, तो बड़ा आपका अच्छा लगता है यार, मतलब हर बार जब आपकी गाड़ी ने आपका साथ दिया होना है पुठे सीधी सिचुएशन में,
क्योंकि यार लाइफ इज मोर देन योर प्रोडक्ट, मतलब इट इज ये नहीं कि यार जैसे कोई लोग होते हैं वो गाड़ियाँ जैसी मर्जी हैं उन्होंने उसको चमकाई जाना रखी जाना, नहीं नहीं यार मैंने ये नहीं करना मैंने वो नहीं करना ऐसे नहीं है वैसे नहीं है यार, तुम गाड़ी ले तो फ्रीडम के लिए यार, मतलब ये नहीं होना चाहिए यार कि मैं ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, तुम्हारी कार तुम्हें फ्री कर देना चाहिए की बात आना यार, मतलब मज़ा आ जाता है यार इस कार के बारे में, मतलब जितनी तारीफ करो कम है जितनी तारीफ करो कम है। मेरे बाद तीन, मैंने एक साल के अंदर अंदर, अभी इसको डेढ़ साल हुआ है इस कार को लिए हुए, मतलब डेढ़ साल भी नहीं डेढ़ से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, और 60,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, 20,000 चला चुका हूँ, 80,000 किलोमीटर मैं कार ड्राइव कर चुका हूँ, 60 सिर्फ ये चलाई है, और मेरे बाद मैंने उस एक साल के अंदर अंदर तीन अपने रिलेटिव या नोन को इकोस्पोर्ट और ले दी, इसने चिंतन ने भी इकोस्पोर्ट तब ली, मेरे भैया हैं उन्होंने भी इकोस्पोर्ट तब ली, एक और मेरा फ्रेंड है उसने भी इकोस्पोर्ट मेरी देखे ली, उसका तो नंबर भी उसने मेरे वाले लिए कार का, और फिर फीगो भी इसी कारण ली क्योंकि हमारा फोर्ड से एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, तो कभी परेशानी नहीं आई यार, कभी परेशानी नहीं आई। ये गेयरिंग का मुझे लगता है कि अगर गेयरिंग थोड़ी और बेटर होती या ऑटोमेटिक होती, अब यही मैं माता को बता रहा हूँ, क्योंकि गेयरिंग में उतना मज़ा नहीं आता, गेयरिंग इसकी लंबा थ्रो है तो बड़ी बार आपका फ्लो गेयरिंग मार देती है। अब नई इकोस्पोर्ट आ रही है उसमें ऑटोमेटिक डीजल होना चाहिए, पता नहीं चल रहा कि है या नहीं है, कोई लोग कह रहे हैं शायद होगा, कोई लोग कह रहे हैं कि इंजन रेंज सेम ही होगी, बट आई विश अगर उसमें ऑटोमेटिक आता है और अगर मैं अपनी कॉस्टिंग वगैरह ठीक निकाल पाता हूँ या देखता हूँ क्या पड़ता क्या नहीं पड़ता, तो मेरा तो बहुत मन है यार कि मैं वही वाली गाड़ी ले लूँ, बट ऑल इन ऑल दिस कार इज वेरी गुड। तो एक ऐसा नेगेटिव भी बताता हूँ, एक नेगेटिव गियरबॉक्स हो गया, दूसरा नेगेटिव अगर आपने ब्रेजा और इकोस्पोर्ट में से चूज करना है, और यार क्या नाम है, मैंने ब्रेजा का रिव्यू डाला हुआ है तो जिसको ब्रेजा और इसका कंपैरिजन चाहिए वो ब्रेजा का रिव्यू, वो उसमें भी मैं ऐसे ही बड़बड़ कर रहा हूँ, आप वो ब्रेजा वाली वीडियो भी देख सकते हो, उसमें भी सारा कुछ मैंने तो ब्रेजा का पता मैंने बताया हुआ। सो ऑल इन ऑल बोथ आर वेरी गुड कार्स, दिस इज अ मोर ड्राइवर फोकस कार। इसकी अब इसका नेगेटिव दूसरा ये है कि आप कल को अगर इसको बेचने जाओगे और ब्रेजा को बेचने जाओगे तो इकोस्पोर्ट की रीसेल उससे कम है, जैसे अगर मैं सोचता हूँ कि मैंने सेल करनी है, जैसे 60,000 चल चुकी है तो लाख से पहले मैं सेल कर देता हूँ, तो अगर मैंने इस कार को सेल करना है तो इसकी रीसेल मुझे उतनी नहीं मिलेगी जितनी ब्रेजा को मिलेगी। तो ये मारुति में और इसमें हमेशा ये फ़र्क रहा है, मतलब आपने अगर एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट लेना है या एक वो लेना है यार कि कभी दूर दूर तक कोई दिक्कत ना है, जब मन करे मैं कार बेच दूँ या आपकी चलाई बहुत ज़्यादा, तो ब्रेजा वुड बी बेटर बाय, क्योंकि अगर आप लोन पे लोगे कार तो अगर आप लोन पे कार लेते हो तो आपको लोन तभी फ़ायदा पड़ता है अगर आप लोन के सारे टाइम कार को रखो, सपोज करो अगर आपने 5 साल लोन लिया है 7 साल लोन लिया है तो 7 साल गाड़ी चलाने के बाद बेचो, बट अगर आपने लोन ज़्यादा लिया है और आपकी कार इतनी ज़्यादा चलती है कि वो साल 2 साल या 3 साल में बेचने लायक हो जाती है या किलोमीटर अंदर चल चुके होते हैं, तो वैसी कार लेनी थी जिसकी रीसेल बहुत ही ज़्यादा हो, हॉट केक्स बोलते हैं उनको, जैसे स्विफ्ट हॉट केक थी, ब्रेजा आज की डेट में हॉट केक है, इन शॉर्ट वो गाड़ियाँ जो बुकिंग पे हैं वो सारी हॉट केक्स होती हैं, और डेफिनेटली ब्रेजा में फीचर ज़्यादा है उसमें सारा कुछ ज़्यादा है, ये इकोस्पोर्ट को आए हुए 3-4 साल हो गए तब से उन्होंने फेसलिफ्ट जो निकाला है उसके अंदर कुछ ज़्यादा खास फीचर नहीं दिए, अब अंदर से शीशे इसके फोल्ड नहीं होते टॉप मॉडल में भी, और क्या नहीं है इसमें उधर ही चीज़ें यार, अब कैमरा रियर कैमरा उन्होंने अब दिया आई थिंक टॉप वाली जो अब भाई है एक्स्ट्रा प्लस मॉडल निकाला, बट जो नई इकोस्पोर्ट आएगी उसमें सारे फीचर्स होंगे और वो ब्रेजा के टक्कर के लिए इन्होंने निकाली। तो नेक्स्ट टाइम का रिव्यू भी हम जल्दी करेंगे और मैं उसकी आपको कमियाँ बताऊँगा गाड़ी की, सारे लोग मतलब मैं बताता हूँ कि टाटा की गाड़ी क्यों नहीं लेनी चाहिए। और यार एक और बात, मैं आपसे जो बात करता हूँ ना, पहली बात तो वो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, वो सही है नहीं है यार वो आपने देखना है कि आपको बात सही लग रही है नहीं लग रही है, और दूसरी बात जब भी मैं आपको कुछ खरीदने की बात करूँगा ना, एक बात है कि ऑल इन ऑल प्रोडक्ट कैसा है नंबर वन, अब प्रोडक्ट जैसे मैंने जीप कंपस की वीडियो बनाई तो जीप कंपस इज अ वेरी गुड कार, जितना उसको चला के पता लगा बहुत अच्छी बात है, बट कल को अगर आपने इनोवा या जीप कंपस में से कोई गाड़ी लेनी है क्योंकि खरीदते टाइम और ही बात होती है, आपने यार 20 लाख रुपये खर्च रहे हैं तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, तो अगर मैंने आज की डेट में मेरे पास 20 लाख हो और मैंने इनोवा या कंपस में से गाड़ी लेना तो मैं भी इनोवा ही लूँगा, बात नहीं कल को अगर प्रॉब्लम आती है या क्या पता है इसकी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी कैसी है कैसी नहीं है या शोरूम इसके उतने खुलेंगे नहीं खुलेंगे, तो या तो मैं मन में वो चीज़ सोच के तो जीप कंपस ले लूँगा कि भाई ड्राइविंग हो तो मज़ा आएगा, नहीं तो अगर बट मैं आगे लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि भाई आपने 20 लाख खर्चना है तो इनोवा क्रिस्टा ले लो, कि पता यार वो कल को उसका रेट और बढ़ जाना है, वो बिकेगी बहुत अच्छे रेट पे, सर्विस कॉस्ट कुछ भी नहीं है, टोयोटा की टोयोटा है, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो जब मैं आपको बाइंग के लिए कोई भी गाइड दूंगा या कोई भी आप मुझे पूछते हो कौन सी लेनी चाहिए तो उसमें लेने के लिए मेरा बिल्कुल ही अलग व्यू पॉइंट्स होता है, और जब मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं कि ये गाड़ी अच्छी है नहीं अच्छी है, क्या चीज़ है क्या नहीं अच्छी है। जैसे वरना वाली भी अब रिव्यू थी तो वरना मैंने ये बताया कि अगर बंदा 15 लाख की सेडान लेता है तो उसके लिए स्पेस बहुत मैटर करती है, पावर भी करती है डेफिनेटली, तभी मैंने सियाज की बात उसमें थोड़ी सी करी, ज़्यादा नहीं करी, क्योंकि सियाज वैसे ऑल इन ऑल बहुत अच्छी कार है, बहुत अच्छे रेट पर मिलती है, बट उसकी पावर ही बड़ी कम है। अब या तो उनके पास अब एस क्रॉस में उन्होंने इंजन डाला था मारुति वालों ने 1.6 वाला 120 bhp वाला, या तो वो सियाज में डाल दें तो आएगा मज़ा, बट उससे महंगी भी हो जाएगी, बट फिर भी बड़ा नेक टू नेक कंपटीशन हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि डिक्की इसकी कितनी प्रैक्टिकल है,
मतलब इतनी बार आप, अगर आपके पास गंदी भी पड़ी है थोड़ी सी कोई बार नहीं, आपके पास अगर सामान होता है आपको ज़्यादा कंफर्टेबल पीछे रखने के लिए, आपको लगता है बंदा पीछे डिक्की खोल कर रख दे, आराम से डिक्की खुलती है, बिल्कुल फ्लैट बेड है, मतलब यही उठाई यही रख दी, इतना नीचे है और सारा प्लेन है। और अब जगह कितनी है अंदर, आराम से बैठ दो, बंद करना एक मिनट। इतनी कंफर्टेबल है। और आपको यहाँ से ना इसकी स्पेस जज करो, ये भी देखो चीज, तो यहाँ तक तो जगह आ गई, इसके बाद ये अंदर वाला एक्स्ट्रा एरिया शुरू हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यार दिमाग लगा लगा के, इतनी प्रैक्टिकल और सॉलिड, इतनी लोहा इतना स्ट्रांग है, भारी तो इतना दरवाज़ा ना, ये आपको फोर्ड इको स्पोर्ट की बिल्ड क्वालिटी और सॉलिडिटी का आपको पकड़ के पता लगेगा। बहुत मैटर करती है यार, हर एक चीज़ की बिल्ड क्वालिटी ले लो यार, हर एक चीज़ का प्लास्टिक, मेरे को पता है, मतलब मारुति में, स्विफ्ट बैलेट्स में भी, डिजायर में भी, पता नहीं कभी कोई प्लास्टिक पार्ट खुल जाना, कभी कोई खुल जाना, डिजायर में उसका स्टेयरिंग रैक का नीचे वाला प्लास्टिक ही उतर के गिर गया, लेफ्ट हैंड साइड जो डैशबोर्ड है उसका पता नहीं पेच लूज हो गया, वो इतनी खड़कती रही, मैं लगता ही रहा 2-3 महीने की खड़क क्या रहा है, खड़क क्या रहा है, खड़क क्या रहा है, पता नहीं चलता उसमें क्या खड़क रहा है, कहीं से कुछ भी बात जाती रहती। और मुझे याद है मैंने एक बार इसका वो करवाया था, क्या नाम है, बाहर वाला शीशा किसी ने तोड़ दिया था, तो मैंने वो ठीक करवाया था, तो उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो इसके अंदर जो स्क्रूज यूज़ हो रहे हैं वो ही इतना कॉम्प्लेक्स था, मतलब कि उसको देख के मैं समझ गया इस गाड़ी में खड़का क्यों नहीं है, मतलब अलग अलग प्लास्टिक्स को जिस तरह उन्होंने जुड़ा हुआ था, मतलब अलग ही तरह के पेच हैं इसके, मतलब बिल्कुल अलग तरह की टेक्नोलॉजी है, बाइंडिंग टेक्नोलॉजी, मतलब दरवाजे के अंदर जैसे अगर एक प्लास्टिक पार्ट दूसरे प्लास्टिक पार्ट से जुड़ा हुआ है, या ये पावर विंडो, अगर यहाँ ये पावर विंडो वाला लेआउट यहाँ पे जुड़ा हुआ है, या ये बटन का पीस है ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिस तरह से जुड़ी हुई हैं, अगर आप दरवाज़ा खोल के देखोगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे, मुझे तब चांस मिला था, तो बिल्कुल अलग है यार, मतलब मैंने मारुतियाँ भी इतनी खुली हुई देखी हुई हैं, इतनी डिजायर वगैरह इतनी खुली हुई देखी, जिनमें दरवाजे खुले होते हैं, जब स्पीकर्स का काम हो रहा होता है, इसका बिल्कुल अलग है। और इतने ज़्यादा सील टाइट है इकट्ठे, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग इनकी पैकिंग है, मतलब वहाँ से पता लग जाता है यार कि क्यों नहीं खड़काता। तो उन्होंने बहुत जो जिस फिनिशिंग का मैं पागल हो रहा हूँ या दीवाना हो रहा हूँ, कह रहा कि इसमें खड़का आ ही नहीं रहा कि 60,000 किलोमीटर चल गई, इतनी बुरी तरह चलाई है, उसके ऊपर उन्होंने बहुत वर्क करा हुआ है, बहुत ज़्यादा वर्क करा हुआ। अब ये थोड़ी चीज की वेंट्स इसके बिल्कुल बंद हो जाते हैं, बीच वाले भी, जैसे बाकी गाड़ियों के बीच वाले वेंट्स बंद नहीं होते। अब इसमें ड्यूअल जोन तो है नहीं, ड्यूअल जोन मुझे पता नहीं लगता कि काम करते हुए नहीं करता, एक छोटी सी गाड़ी में अलग अलग जगह अलग टेम्परेचर कैसे हो सकता है, बट बहुत बार होता है एक बंदे को तैयार कि मेरे को नहीं इतनी ठंड चाहिए, मेरे को नहीं हमने हवा वो चाहिए, तो मैं सारी इवेंट्स बंद करके, जैसे ये बिल्कुल बंद हो गई, ये भी बिल्कुल बंद हो गई, सिर्फ अपनी अपनी वाली दो चला लेता हूँ, या राइट वाली दो, सपोज करो मैं मम्मा साथ जा रहा हूँ, किसी के साथ जा रहा हूँ, मम्मा को तैयार की ठंड लग रही है मेरे को ज़्यादा, तो मैं अपनी वन पे करके अपने ऊपर सिर्फ हवा कर पुश कर लेता हूँ, नहीं तो गाड़ी में सेंटर वाली वेंट्स तो मैंने नहीं देखी किसी की, सेंटर वाली वेंट्स बंद हो जाती हैं कम्प्लीटली। स्टेयरिंग इसमें रेक एंड रीड दोनों है, आप अपनी आराम से कम्फर्टेबल पोजिशन ढूंढ सकते हो, मतलब ड्राइविंग वाली चीज़ उन्होंने सारी दी हुई, वहाँ पर इनका बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत ही स्पेस है, इतना सामान जगह रखने के लिए, मैंने गंद डाला हुआ नो डाउट, मतलब साफ़ करने वाली है कार है, गंद के डाला मेरा अपना काम के सामान पड़ा सारा। अब ये सेंटर में देखो, अगर आप यहाँ पे एक होल्डर, दो होल्डर, तीन होल्डर, आप यहाँ पे अपना मोबाइल या वगैरह बाकी सामान रख सकते हो, ये वहाँ का है, चिंतपूर्णी माता का ब्रांड है, तो ये मेरे कार के साथ रखता हूँ मैं। यहाँ पे आगे आपका वॉलेट रखने की जगह है, या कोई थोड़ा बहुत सामान आगे वो रखने की जगह है, ऊपर आप यहाँ पे सामान रख सकते हो, यहाँ पे टॉप मॉडल में स्क्रीन है, यहाँ पर स्क्रीन है, तो यहाँ पे आप सामान रख सकते हो, और साइडों पे बॉटल दरवाजों में, मतलब हर एक दरवाजे में आप दो दो बॉटलें डाल सकते हो, जैसे एक जगह ये है यहाँ पे, जैसे बॉटल आती है एक आपकी, एक ये है, एक इसके अंदर है, एक यहाँ से लेती है बॉटल, एक्स्ट्रा इन्होंने जगह दी हुई है हर एक चीज़ के लिए, और मतलब इतनी कॉम्पैक्ट में भी, मतलब 4 मीटर के अंदर मैंने इससे बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस नहीं देखी, और ये फोर्ड का फोटो है, और यही बात मेरे को फिगो में भी समझ नहीं आती, फिगो में जब भी बाहर से देखता हूँ मुझे लगता है इतनी छोटी गाड़ी है, इतना छोटा साइज़ है, अंदर बैठ के कभी लगता ही नहीं कि टाइट है, पता नहीं कैसे बनाते हैं, उसकी बूट स्पेस भी बहुत है, गाड़ी की स्पेस भी बहुत है, सारा कुछ बहुत है, बाहर से लगता है तो गाड़ी बड़ी छोटी है।